वेलकम दोस्तों, मैं हूँ आरिफ अली वॉइस ऑफ हिस्ट्री के साथ और मैं मौजूद हूँ आज गुजरावाला। और गुजरावाला बस किसी काम से आया हूँ, ब्लॉग बनाने नहीं आया हूँ, लेकिन मैं इस टाइम मौजूद हूँ चंदा किला। ये देख सकते हैं मेरे पीछे, बहुत मशहूर लैंडमार्क है गुजरावाला का। और इसके बिल्कुल सामने है सियालकोट बेकरी, बड़ी मशहूर सियालकोट बेकरी है गुजरावाला की। और ये चंदा किला कहलाती जगह जीडी रोड के ऊपर, मेन जीडी रोड पर वाक़ और इसी रोड के ऊपर आगे शाबास्तिक का भी है। जीडी रोड के ऊपर जहाँ मैंने आपको चंदा किला दिखाया था, उसी जीडी रोड के ऊपर अगर आप पीछे थोड़ा सा आते हैं तो ये किंग्स मॉल और इम्तियाज सुपर मार्केट भी यहाँ मौजूद है। और इसकी वजह से इस इलाके की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अच्छा, ये जीडी रोड वही रोड है जो ऐवान बाला तक जाती है, जहाँ पर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर और हमारी तमाम जितनी भी आला अहदेदार जो हमारे लोग हैं, मुल्क के वज़ीर हैं, वज़रा हैं, वो सारे वहाँ बैठते हैं उस जगह पर। और ये सड़क भी उसी शहर को जाती है। तो ये जीडी रोड जो है, आपको पता ही होगा, ग्रैंड ट्रंक इसको कहते हैं, उसको जीडी रोड कहते हैं इसी शॉर्टकट में। और ये जो है गुजरावाला का मशहूर किंग्स मॉल है और यहीं पे जो है इम्तियाज़ सुपर मार्केट भी है। और जी गुजरावाला जब आते हैं तो खाने पीने की बात तो ज़ाहिर होती है, गुजरावाला अपने खानों के लिए तो मशहूर है। और ये है एक न्यू अलमिराज फिश कॉर्नर, जो गुजरावाला की बड़ी मशहूर एक जगह है जहाँ पे लोग मछली खाने आते हैं। आइए चलते देखते हैं कि यहाँ पे कितनी किस्म की मछलियाँ हैं, मतलब वो फ्राई फिश मिलती हैं और क्या प्राइस है। अस्सलाम वालेकुम, आप क्या हाल चाल है, खैरियत से? अच्छा, ये जो आप अलमिराज फिश फ्राई है, काफ़ी मशहूर है गुजरावाला में। जी सर। तो आप कितने और कौन सी मछली मतलब करते हैं, बनाते हैं? हम रोहू बनाते हैं, मुश्का बनाते हैं, फिंगर बनाते हैं, रोहू ग्रिल बनाते हैं। अच्छा, मुश्का है, बाम है, फिंगर है, सौल है। अच्छा अच्छा, इतनी सारी मतलब आप फिश बनाते हैं। और उसमें कितने किस्म की आप जो ना उसमें वराइटियाँ बनाते हैं, बताओ? तीन किस्म की बन जाती है, रोहू फ्राई भी हो जाती है, ग्रिल भी हो जाती है, बगैर बेसन के भी फ्राई हो जाती है। अच्छा, तो सालन वगैरह भी को बनाते हैं कि नहीं? नहीं, सालन नहीं बनाते, सालन ऐसे फ्राई करते हैं। जी, तो फ्राई। लोग ज़्यादा कौन सी आपको डिमांड करते हैं आगे? ज़्यादा अक्सर ये फिंगर फिश चलती है और रोहू चलती है। अच्छा, रोहू ग्रिल चलती है। तो इसका प्राइसेस वगैरह क्या है इसके? जी, इसके रेट क्या होते हैं किलो के हिसाब से या मुख्तलिफ रेट हैं? अच्छा, क्या मिनिमम क्या है और मैक्सिमम क्या है? मैक्सिमम सबसे ज़्यादा 1000 है, 1200 उसके बाद। अच्छा, 1000-1200 केजी? केजी कौन सी मछली का है? उसके बाद रोहू 600 है। रोहू 600 रुपये तैयार? जी तैयार। अच्छा अच्छा अच्छा, तो लोग तो बड़ी दूर दूर से आते होंगे खाने के लिए। जी जी, दूर दूर। फिंगर फिश का क्या होता है, वो कौन सी मछली की बनती है? वो फिंगर फिश ये रोहू सोल की है, उसके मलिक की है। अच्छा जी हाँ। तो जी, आप अगर फिश खानी है तो अब अलमिराज पे आके जो है वो खा सकते हैं। ये जीडी, मेन जीडी रोड के ऊपर और किंग्स मॉल के बिल्कुल सामने है, इम्तियाज़ सुपर मार्केट भी यहाँ पे मौजूद है, इसके बिल्कुल सामने ऑपोजिट मेन जीडी रोड के ऊपर वाक़ है। तो आपको जैसे कि उन्होंने प्राइस ही बता दी है और बता भी दिया कि कौन कौन सी वैरायटी इनके पास होती हैं। गुजरावाला जब की बात होती है तो सिर्फ खाने ही जहन में आते हैं, मेरे तो खाने ही जहन में आ रहे हैं यहाँ पे आके, और तो मैंने मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो जो जो जगहें खाने की वो मैं आपको साथ साथ दिखाता जा रहा हूँ और लैंडमार्क भी आपको दिखाएं। और एक ये बहुत मशहूर जो है फैमिली रेस्टोरेंट है, चेरी रेस्टोरेंट, ये भी जीडी रोड के ऊपर ही मौजूद है। तो आइए दिखाते हैं आपको कि यहाँ पर क्या क्या बन रहा है। चलते हैं, बात करते हैं जो यहाँ के ओनर, उनसे पूछते हैं कि कब से कायम है और क्या क्या यहाँ अवेलेबल है इनके पास मेन्यू में। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है भाई, ठीक ठाक है? अच्छा, मुझे बताइएगा ये चेरी जो रेस्टोरेंट है, ये कब से कहाँ यहाँ पे कायम है? ये तो चेरी है, ये 2005 से यहाँ पे कायम है। 2005 से इधर है जी। अच्छा, तो उसके अलावा कोई ब्रांचेज आपकी और भी हैं? नहीं, इसके अलावा हमारी कोई ब्रांच नहीं है। अच्छा, और स्पेशलिटी आपकी क्या है खाने में?
हमारे सबसे ज़्यादा चेरी की बिरयानी मशहूर है, नाश्ते में सबसे ज़्यादा चने मशहूर हैं। अच्छा अच्छा, जो लोग बड़ी बड़ी दूर से हमारे पास नाश्ता करते हैं। अच्छा अच्छा, जैसा कि लाहौर से आते हैं कुछ लोग सियालकोट से आते हैं। चेरी फैमिली रेस्टोरेंट गुजरांवाला का सबसे मशहूर है। ये एक ही है गुजरांवाला में? जी गुजरांवाला में चेरी एक ही है। चेरी एक ही है। टिक्की वगैरह की कितनी वैरायटी है आपके? काफ़ी मैं देख रहा हूँ, बड़े अट्रैक्टिव लग रहे हैं। जी जी, हमारे पास चिकन पीस है जिसमें लेग पीस है और चेस्ट पीस है। अच्छा, जो आप बिरयानी के ऊपर डाल के देते। लोग ज़्यादातर क्या डिमांड करते हैं आपके पास जब आते हैं तो? हर एक ही अपनी अपनी चॉइस है। अच्छा, तो कोई लोग कुछ बिरयानी खाना पसंद करते हैं, कुछ चिकन कौरमा खाना पसंद करते हैं, कुछ मटन कौरमा खाना पसंद करते हैं, कुछ मटन कीमा खाना पसंद करते हैं। हर एक ही अपनी अपनी चॉइस है। चलिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो हर एक की अपनी अपनी चॉइस होती है ज़ाहिर है, लेकिन ये है कि मुझे तो टिक्का देख के बहुत मुँह पानी आया, और बिरयानी भी बहुत धुएँधार थी, मज़ेदार थी। और मेरे ख्याल से गुजरांवाला अगर आप आते हैं तो और कुछ होना हो, वैसे तो तारीख़ एतबार से तो काफ़ी तारीखी शहर भी है, उसकी अपनी एक तारीख़ है, वो तारीखी हवाले से मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी जो मेन मेन चीज़ें थी, जो मोटी मोटी बात थी, वो आपको बताई। मुझे लगता है कि आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। हाँ, मैं अंदर आ रहा हूँ, तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। तब तक फिर किसी और शहर में और किसी जगह पर मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।